सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के करप्शन फ्री स्टेट जैसे कवायद पर भ्रष्टाचार हावी नजर आता है। सरकारी अफसरों में काबिज हुक्मरानों को नंगी आंखों से ना तो कभी भ्रष्टाचार की सूरत नजर आती है और ना ही कभी कोई कार्रवाई की चाबुक इस पर चलाया जाता है। ऐसा ही एक मामला जनपद महोबा से सामने आया है, जहां पालिका प्रशासन की मिलीभगत से चलते लाखों की सड़क पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, वो भी खुले तौर पर। आपको बता दें कि नगर पालिका महोबा द्वारा वार्ड नंबर 17 में बनाई गई सड़क के खिलाफ स्थानीय जनता ने मोर्चा खोलते हुए पालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस सड़क का काम अब तक पूरा भी नहीं किया गया, तो वहीं चंद दिनों के अंदर इस सड़क ने उखड़ कर किए गए भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। कागजों में तय किए गए मानकों के दरकिनार करते हुए पालिका प्रशासन द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया गया। भ्रष्टाचार की मिलावट से तैयार इस सड़क के आधे हाथों लेते हुए जनता ने लाखों रुपए का गोलमाल करने का आरोप पालिका प्रशासन के ऊपर लगाया है। जनता ने शासन का सड़क दोबारा निर्माण कराए जाने की अपील करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की। एक स्थानीय पत्रकार की अगर माने तो कराए जा रहे इस निर्माण को लेकर कई मरतबा आला अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो इस मानक विहीन निर्माण के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई है और ना ही जिम्मेदारों को निर्माण स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। भ्रष्टाचार के मानक पर तैयार की गई इस सड़क को लेकर स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। निर्माण कार्य बहुत खराब चला है, मशीनों का उपयोग नहीं हुआ है, हाथ से डाली गई है रोड, और जो है इसमें जो है राखी का उपयोग ज़्यादा किया गया है, सीमेंट की जगह राखी का, ताकि कई जगह जो है गिट्टियाँ भी दिखने लगी और गड्ढे भी हो गए। क्या बनाए जा रहे हैं? रोड बनाया जा रहा है सीसी। मानक के अनुरूप नहीं है, क्योंकि मानक में कहीं राखी का उल्लेख नहीं है, और राखी जो है इन्होंने मिलाई हुई है, और सीमेंट की मात्रा बहुत कम है। बेसमेंट के नीचे जो सीमेंट और गिट्टी बिछाई जाती है या तनाव मटेरियल बिछाया जाता है, लेकिन उसमें गुम्मा लगाकर और पट्टियाँ लगाकर ऊपर से रोड डाला गया है। इसकी जांच होना चाहिए। किस प्रकार की जांच चाहते हैं? जांच हम चाहते हैं कि ये जो है दोबारा उखड़ कर बने और जो है इस पर जो है दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि भ्रष्टाचार जितना ये बढ़ रहा है रोडों में, और ठेकेदारों का खुले अल्फाजों में कहना कि हम पैसा देते हैं, पैसा देके और कमीशन देके बनवाते हैं, आपको जो जांच कराते हैं करा लीजिए। इसलिए हमारा शासन से अनुरोध है कि इसकी जांच होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है निर्माण? यहाँ रोड बन रही है सर। रोड बन रही कैसे है? मानक क्या है रोड के? मानक का तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन रोड सही नहीं बन रही है। किस हिसाब से सही नहीं बन रही? जैसे कि 3 दिन में रोड बनी है, रोड का पता नहीं है, गड्ढे हो गए रोड में, गिट्टी बाहर दिखने लगी, पूरी बजबू दिख रही है पूरी रोड में। ऐसा काम किया गया, नाली की सीध नहीं मिलाई गई, टेढ़ी नाली बना दी, पूरा साफ बना के रख दी उधर नाली की जगह, तो ये हमारे हिसाब से काम सही नहीं हुआ। लेकिन हमें मानक का नहीं पता, मानक जो भी हो, हम इंजीनियर तो है नहीं है, इसलिए हमको मानक का नहीं पता, लेकिन हमारे हिसाब से इसकी जांच होनी चाहिए, रोड सही नहीं बनी। सरकार तो कहती है हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फिर ऐसी रोडें बन रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये जांच का विषय है सर, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए। एक्शन में किस तरीके का? अगर ये मानक के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो किस तरीके का एक्शन? वो फिर अधिकारी देखेंगे सर। इसको हम चाहते हैं कि दोबारा बने, हम चाहते हैं कि हमारी मोहल्ले की सड़क अच्छी बने, बस इतना ही चाहते हैं।